चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कल पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के रणनीतिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं प्रशांत किशोर का इस्तीफा देने के बाद एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका से अस्थाई अवकाश लेने के अपने फैसले के मद्देनजर मैं आपके प्रधान सलाहकार के रूप में जिम्मेदारियां संभालने में सक्षम नहीं हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करें। वही खबरें यह भी आ रही है कि प्रशांत किशोर इन दिनों कांग्रेस हाईकमान को राजनीतिक सलाह दे रहे हैं और पार्टी की रणनीतियां बनाने में जुटे हुए हैं। वही सूत्र यह बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने पंजाब के मुख्यमंत्री के सलाहकार के पद से इस वजह से इस्तीफा दिया है ताकि वह 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राहुल गांधी को रणनीतिक रूप से तैयार कर पाए। वही खबरें यह भी हैं कि प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश कैंपेन की कमान भी प्रशांत किशोर संभाल सकते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस हाईकमान के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को छोड़ने का फैसला किया है। ऐसी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए SPN N News के साथ। धन्यवाद।